बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंटिन्यू करते हैं कल जहां हमारा सिलसिला रुका था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था बेटा, यहां से स्टार्ट लेते हैं इसका। कोई इशू नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डेट्स एंड कंपनी मेड एन इशू ऑफ ₹5,000। तुमने बोला जो रास्ते में हटा दो उसको, है ना, मुझे पहुंचना जगह पर। ऐसे नहीं करते यार, पूरा प्रोजेक्टर वहां से हिल गया है, ये बच्चे भी आगे हो जाते हैं प्रोजेक्टर के साथ, ठीक है ना। ओके जी, कितने शेयर इशू किए भाई उसने ऑफ रुपीस, मतलब 5,000 शेयर है, हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू ₹100 है एट अ प्रीमियम ऑफ, लेकिन 100 वाला शेयर आप 5% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, मतलब 100 वाला शेयर 105 का इशू कर रहे हैं, सिंपल हो गया मामला। एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, आपको कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली? 5,000। इक्वल सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन? इधर किसी अंडरराइटर का तस्करा नहीं है, तो हमें उसको उसकी हवाले से बात करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल। तो सब्सक्रिप्शन की एंट्री बनेगी नंबर वन। क्या एंट्री बनी जनाब? बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, शेयर सब्सक्रिप्शन क्या हो गई? क्रेडिट हो। अब मेंशन नहीं है कौन सा शेयर है, ऑर्डिनरी है या, हाँ अगर हम अपने मुल्क के हिसाब से देखें तो जो नॉमिनल वैल्यू है उसमें ₹100 वाला शेयर जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होता है, जो ₹100 नॉमिनल वैल्यू रखता है, ठीक है ना। बैंक डेबिट, शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इससे तो आंसर आएगा नॉमिनल वैल्यू वाला। हमने हर 100 के ऊपर 5% मजीद लिया है, तो गलती क्या है? वही गलती, अगर मैं इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर वो आंसर ₹5 आ जाएगा। मुझे 100 भी चाहिए और 100 के ऊपर 5 भी चाहिए। कॉन्सेप्ट कौन सा है? मार्कअप वाला, 1+1+r, याद है ना भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.05 से। ये वाली बात कितने लोग पिक करते हैं बेटा, ताकि 100 भी इसमें काउंट हो और 100 के साथ 100 100.05 105। अरे भाई ₹5, तो 100+5, ठीक है ना। ओके, तो बैंक डेबिट 5,25,000। और शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट 5,00,000। सब्सक्रिप्शन के वक्त कोई प्रीमियम नहीं आएगा, प्रीमियम तो जब शेयर की क्या होगी, अलॉटमेंट होगी, उस वक्त दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अब क्या करें, अगली एंट्री किस चीज की है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, और 5,000 ही शेयर्स है पक्का। तो क्या एंट्री बनी बेटा बताइए? शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट ₹5,25,000 से, और शेयर कैपिटल कुछ भी हो जाए हमेशा किस पर क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू पर, नॉमिनल वैल्यू पर बोलिए बेटा। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट 5,00,000। तो जस्ट आपने 5,000 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा? 100 से, ताकि ये आंसर क्या आ जाए? 5,00,000 आ जाए। अब इससे ऊपर जो कुछ मिला है आपको वो क्या है? शेयर प्रीमियम। और शेयर प्रीमियम क्या है कि आपको हर शेयर के बदले ₹5 मल्टीप्लाई, अगर 100 करूं और 100 को मल्टीप्लाई बाय 0.05 करूं तो अब 105 नहीं आएगा, 100 का 5% ₹5, यानी आपको हर शेयर के बदले ₹5 क्या मिले? ज्यादा मिले। तो अगर 5,000 शेयर से तो वो कितने बने? ₹25,000।
ये कैलकुलेट पे निकाल लिया करें ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस तरह कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया आपका पहला वाला केस। सेकंड केस भी देख लें, बैंक डेबिट होगा। मैं यहाँ खाली बताकर, मैं एग्जाम में अगर आप बना टाइम बचा सकें तो प्रेजेंटेशन बहुत सारे तरीके दे सकती है। मैंने इसको बोला डेबिट, इसको बोला मैंने क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट किसके लिए? केस वन के लिए। फिर दोबारा लिख दिया मैंने डेबिट क्रेडिट किसके लिए। ऐसा मैं कब कर सकता हूं? जब एंट्री की डिस्क्रिप्शन हर बार क्या हो? सेम। तो मैं एग्जाम में अपना मल्टीपल वेज से टाइम बचा सकता हूं। भाई मुझे केस वन में भी ये एंट्री बनानी है बैंक डेबिट, और केस टू में भी एंट्री बनानी है, तो मैं दो बार क्यों लिखूं? मैं डेबिट क्रेडिट के दो कॉलम क्यों ना बना दूं? क्या ख्याल है? जवाब दें भाई। तो मैंने बोला भाई कि ये एंट्री सेम बननी है, बैंक डेबिट शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, ये एंट्री बननी है अभी, लेकिन अमाउंट क्या आना है? मुख्तलिफ आना है। क्यों? क्योंकि अब 5000 नहीं, तो सेकंड केस में 6000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 6 लाख। कैलकुलेट करें प्लीज, 6,30,000। से बैंक डेबिट हुआ, बोलिए, और 6,30,000 से शेयर सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कैसा है? अगली एंट्री सेम बनेगी। क्यों? अगली एंट्री के बनने में कोई फर्क नहीं है। क्यों? बोलिए बोलिए क्यों? सब्सक्रिप्शन हमें 6,000 शेयर की मिली है, इश्यू तो हमने 5,000 ही करना है ना, तो अगली एंट्री तो सेम बननी चाहिए, कोई फर्क तो नहीं होना चाहिए ना। क्या ख्याल है? सब्सक्रिप्शन मिली है 6,30,000 की, यानी कितने शेयर की? 6,000। इशू कितने करेंगे? तो इस एंट्री में कितने शेयर इशू किए? तो यहां एंट्री अगली सेम बननी चाहिए ना। तो मतलब शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट 5,25,000 से। जवाब दें भाई। शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? 5,00,000 से। यानी मैं डिस्क्रिप्शन सेम यूज कर रहा हूं केस वन के लिए भी और केस टू के लिए। अमाउंट का फर्क वो दिख जाएगा, लेकिन इस एंट्री में अमाउंट का फर्क भी नहीं। बोलिए प्लीज। और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कितने से बेटा? 25,000। बेटा क्या सब समझ रहे हैं इस बात को? थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, इसलिए कि मैंने बार बार एंट्री रिपीट नहीं की, लेकिन साथ साथ आपको एग्जाम की टेक्निक, अगर आप इस टेक्निक को समझ सके प्रॉपर, और इस तरह की टेक्निक के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती। बंदा करता है, माइंडसेट बनाता है, एग्जाम में करेगा, फिर उसको गलत लगेगा, कुछ गलत हो गया, फिर वो उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन घर पे बैठ के जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना आपको एग्जामिनेशन का आइडिया ज्यादा हो जाएगा। क्या ये सब क्लियर है कि ये एंट्री सेम बन रही है? सर फिर जब मैं एंट्री बनाऊंगा तो ये 5,25,000 कैसे आएगा? ऑब्वियसली मैं कितने शेयर इशू कर रहा हूँ, जितने शेयर मैं इशू कर रहा हूँ उतनी सब्सक्रिप्शन में रिवर्स कर दूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो मुझे उतनी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी जितने मैं शेयर इशू करने जा रहा हूं, और फिर उतने नंबर ऑफ शेयर्स को जब मैं फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो शेयर कैपिटल मिल जाएगा, और उससे अबव जो होगा वो शेयर प्रीमियम है। अच्छा, अब शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितने से हुई थी? डेबिट कितने से हुई? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 1,05,000। तो 1,000 शेयर्स को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या बनेगा? 1,00,000। उसका 5% और इंक्रीज कर दो तो आंसर बनेगा 1,05,000। क्या ख्याल है? बोलिए। तो मतलब जो 1,000 शेयर्स की मुझे क्या मिली है? इजाफी सब्सक्रिप्शन। वो क्या करनी है मैंने, जो कि केस वन में वापस नहीं हो रही, वहां तो शेयर्स ही कितने सब्सक्राइब हुए थे? 5,000। तो अगली एंट्री क्या बनेगी? शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट बैंक क्रेडिट। और ये एंट्री यहां नहीं है। कहां नहीं है? केस वन में नहीं है। सिर्फ कहां पर है? 1,05,000। 1,05,000।
हम कितने शेयर्स की सब्सक्रिप्शन वापस कर रहे हैं? 1000 शेयर्स की। अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आंसर बनेगा 1 लाख, लेकिन हमने हर शेयर के बदले 100 रुपए हासिल नहीं किए। मल्टीप्लाई बाय 1.05 बोल दें बेटा प्लीज, पक्का कंफर्म, ये आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इस तरह अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपको एक तरीका मिल गया वक्त बचाकर क्वेश्चन कम वक्त में सॉल्व करने। कल के केसेस में मैं इस तरह सॉल्व कर सकता था, लेकिन अगर हम कल के केसेस में इस तरह सॉल्व करता बोलत जाते बहुत ज्यादा। आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसी जब एंट्री बनाते रहेंगे तो आप चीजें आपको आती रहेंगी, ठीक है ना। कल के 3 केस थे कि नहीं थे, लेकिन उसमें डिफरेंसेस थोड़े ज्यादा थे, लेकिन उनको भी इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है प्लानिंग करके, ठीक है ना। तो उस तरह भी कोशिश करें। आप सोच रहे जो कल का क्वेश्चन नंबर 3 था, अगर मैं उसके डिस्क्रिप्शन एक लिखूं, डेबिट क्रेडिट के 3 कॉलम बना के 3 केस सॉल्व करना चाहूं एक ही पेज पर, तो क्या मैं उसको कैसे प्लान कर सकता हूं? थोड़ा सोचिएगा। इससे क्या होगा, आप टाइम बचाना सीखेंगे। आज तो टाइम लगेगा, लेकिन असल टाइम कहां सेव होना है? एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना, इंडस होटल में सेव होना। चलो पीली बत्ती है थी, पीली लाइट है जी, नहीं जी इतना फर्क नहीं पड़ा, नहीं अलग माहौल नहीं था इतना, ये मतलब यही था, नहीं यार ऐसा तो नहीं था। जैन से पूछो, जैन बोला था मुझे लगा था मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा था। चलें ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है, कहाँ? अरे इधर बैठा हुआ है जैन, यार नजर ही नहीं आ रहा। मीसम कहाँ है जैन? यार आप उसको तुम लेकर आया करो यार, नहीं नहीं गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 5 किया आप लोगों ने? नहीं सर, बोले नहीं सर, नहीं किया ना, यस सर नहीं किया। मैंगो एंड कम, सही है, सारी कंपनियां फ्रूट्स के नाम पे खोली, कोई एतराज तो नहीं ना आप? अच्छा ठीक है जी, इससे पहले वाली कंपनी भी फ्रूट के नाम पर ही थी, मैंगो एंड कंपनी, मेड एन इशू फुली, मतलब अगर एक सिंगल शेयर भी सब्सक्राइब ना हो तो कौन आएगा सपोर्ट करने के लिए? अंडरराइटर, ठीक है जी। ऑफ 4000 शेयर्स ऑफ रुपीज, जवाब दें बेटा, 200 रुपए क्या है? व्हाट इज दिस 200 रुपया? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू एट अ डिस्काउंट ऑफ, तो आप हर 200 रुपए वाला शेयर 20 रुपए डिस्काउंट देकर 180 रुपए का इशू कर रहे हैं, क्योंकि 200 रुपए का 10% क्या बनेगा? 20 रुपए। ये परसेंटेज, मार्कअप, मार्जिन, बेस वैल्यूज, तो 10% रेट किस पे लगा? 200 पर। 200 में से 10% निकल गया तो आपकी जेब में क्या आया? 200 का 90%। तो अब कॉन्सेप्ट मार्कअप नहीं है, कॉन्सेप्ट मार्जिन है। सोचिए जरा, आप बेस वैल्यू से ऊपर नहीं जा रहे, आप बेस वैल्यू से नीचे आ रहे। ये टेक्निक सीख लें बराए मेहरबानी, और सीएमए के अंदर तो बहुत आनी है, ठीक है जी, बहुत आनी है, बहुत ज्यादा आनी है, ठीक है जी। ये मैं आपको बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ, सीएमए आप इतना बोलता आ रहा हूँ कि सीएमए उड़ के करीब आ गया, बोला इनको साबित ही कर दें, है ना। ओके जी, तो मैंगो एंड कंपनी मेड एन इश्यू फुली अंडरराइटिंग 4000 शेयर्स ऑफ रुपीज 200 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब? अंडर सब्सक्राइब। तो एंट्री बनाई, पहली एंट्री बैंक डेबिट शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, संतोष को फेसबुक और व्हाट्सएप में सुनने दिया, बोला कब खुलेंगे हैं? बैंक डेबिट शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, 3000 शेयर्स की क्या मिली? एप्लीकेशन मिली,
आवाज नहीं है बेटा। हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 200 रुपए। क्या हमें 200 ही मिले या 200 में से 10% कम करके मिले? तो हमें 200 का क्या मिला? 90%। जरा ये कॉन्सेप्ट बनाना था कि आप यूं वैल्यूज क्या करें, कैलकुलेट करें। तो मैं 200 को मल्टीप्लाई बाय 0.9 करूंगा तो 200 का बनेगा पहले 90%, जो कि 180 रुपए है, बोले। और वो 180 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, पता है ना आपको इस बात का। 540,000 से क्या हो गया, बोले बेटा? और 540,000 से शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। साथ साथ केस टू भी सॉल्व कर लो पैरेलल भी को, अगर आप बोले तो, अगर आप तैयार हैं तो। फिर आप मेंशन कर दें कौन सा कॉलम डेबिट और कौन सा कॉलम क्रेडिट है, पेपर में मेंशन किया करें, ये भी अच्छी बात है। एग्जामिनर को समझा, उसको कुछ नहीं आता, एज्यूम करें एग्जामिनर के बारे में, ठीक है? एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, बिल्कुल वजाद जैसा बच्चा है एग्जामिनर, आता सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं आता, है ना वजाद? सही बोल रहा हूँ? अच्छा, बैंक वजाद बोलो बेटा, बैंक डेबिट हुआ कितने से? 540,000 से। और शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ कितने से? 540,000 से। हम चाह रहे हैं ये एंट्री हम पैरेलल बना ले केस टू की। अच्छा जी, उसके बाद बेटा सलमान बात करता हूं मैं आपसे बाद में, ठीक है जी? अच्छा, बैंक डेबिट, शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, ठीक है जी? अच्छा जी, अब बताइए केस टू में हमें कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिल रही है? 5,000 को जरा मल्टीप्लाई करवाना बेटा, वजात, शाबाश वजात, क्या करूं जरा बताओ, कैलकुलेशन करवाओ मुझे। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, सर वही जो ऊपर लिखा है, लिख दें, है ना, ये बोलना चाह रहे हो? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 200, अगर ऐसा होता तो हमें हर शेयर के बदले कितने रुपए मिलते? 200 रुपए मिलते, लेकिन हमें हर शेयर के बदले 20 रुपए क्या मिले? कम मिले, तो 200 नहीं मिले, 180 मिले। तो 200 को 180 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.9 से, यानी उसका 10% निकाल लिया, जो बचा हुआ कितना बना? 90%, 200 का 90%, 180। क्या एंट्री बनी, सब बताएं क्या एंट्री बनी? 9,00,000 से, 9,00,000 से बैंक डेबिट और 9,00,000 से शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, ठीक है जी? यस और नो, एंट्री बन गई पैरेलल? अच्छा जी, अब क्या करें, शेयर इशू करवा देंगे, शेयर इशू कर दें तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट कर दें, कितने से पहले केस में? 540,000 से, जवाब दें। एक लाइन और छोड़ दीजिएगा डेबिट साइड पर, शेयर कैपिटल क्रेडिट कीजिएगा एक लाइन छोड़कर, क्योंकि आप जानते हैं इसमें क्या इन्वॉल्व है, डिस्काउंट। शेयर कैपिटल हमेशा किस पर क्रेडिट होगा बेटा? फेस वैल्यू पर, पक्का? तो 3,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करें किससे बेटा? 200 से। अगर ये तमाम शेयर किस पे इश्यू होते? फेस, तो आपको हर शेयर के बदले क्या मिलते? 200 रुपए मिलते। शेयर कैपिटल तो 6,00,000 पर क्रेडिट होगा, तो अब जो डिफरेंस है जो आपको नहीं मिला वो क्या है आपकी तरफ से? शेयर डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 60,000 से, सही है बेटा। दूसरे वाले केस में हमने शेयर कितने इशू करने हैं, बोले प्लीज बोले, और हमें एप्लीकेशन कितनी मिली है, तो अब हम ज्यादा में ज्यादा कितने शेयर इशू करते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। तो क्या करें, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 200,
8 लाख से शेयर कैपिटल क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, लेकिन इस 8 लाख के बदले आपको पूरे 8 लाख मिले या 8 लाख का 90% मिला है? इस 8 लाख का बैलेंस सब्सक्रिप्शन में कितना है, 8 लाख ही है या 8 लाख का 90% है? 8 लाख का 90% निकालिए, 7 लाख, तो शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट 7,20,000 से। तो आपने इस 8 लाख पे कितना डिस्काउंट दिया, 8 लाख का 10%, यानी कितना 80,000, 80,000 से शेयर डिस्काउंट डेबिट। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब यहां पर एक एंट्री ऐसी है जो इस केस में है, इस केस में नहीं, और एक एंट्री ऐसी है जो इस केस में है, इस केस में नहीं, जरा बताइए कौन सी। बस जब भी आप इस तरह सॉल्व करें तो ऐसे केसेस का ख्याल रखें जो एक कॉलम में हो दूसरे कॉलम में ना हो। जैसे यहां पर जो शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए वो किसको इशू होंगे, अंडरराइटर। तो आप एंट्री बनाएं अंडर राइटर बतौर रिसीवेबल डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। जवाब दें बेटा प्लीज, कितने शेयर्स, केस वन में आप कितने शेयर इश्यू करना चाहते हैं, 4,000, सब्सक्राइब कितने हुए, अंडर सब्सक्राइब कितने हुए, 1,000, वो 1,000 किसको देने, अंडर राइटर। 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, क्या आंसर आएगा, 2 लाख। शेयर कैपिटल तो हमेशा फेस वैल्यू पे होगा ना क्रेडिट, बट जवाब दें। अच्छा जी, शेयर डिस्काउंट कितना बनेगा इसका, बीस हजार। तो अंडर राइटर से फिर रिसीव कितना करना है आपने, 1,80,000। यहां कोई एंट्री अंडर राइटर की नहीं है, पक्का। अब यहां एक एंट्री है जो यहां नहीं है, वो क्या है, रिमेनिंग शेयर सब्सक्रिप्शन। बोलो बेटा, रिमेनिंग शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट बैंक क्रेडिट। बोले आपको केस टू में कितने शेयर की सब्सक्रिप्शन मिली, 5,000, आप कितने इश्यू कर रहे हैं, 4,000, तो 1,000 शेयर के जो पैसे आपके पास क्या हैं, ज्यादा हैं, क्या करने हैं, वो वापस करने हैं, पक्का। क्या करें बेटा, 1,000 शेयर्स को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 200 से, तो ये तो आपको मिल गए फेस वैल्यू। आपको सब्सक्रिप्शन तौर पर पूरे 200 नहीं मिले, 10% कम मिले, यानी इसका क्या मिला है, 90%, 1,00,000। तो आपने 1,80,000 से यहां डेबिट कर दिया और यहां बैंक अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और यहां इसको ब्लैंक छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इस ये वाली एंट्री यहां मौजूद ही नहीं। इस तरह कम वक्त में क्या हो गया, ज्यादा काम हो जाएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। समझ पा रहे हैं बात या नहीं, तो ये भी इसको भी नोट कर लो इस तरीके से, ताकि आपकी आदत पड़े प्रेजेंटेशन बनाने की, एग्जामिनेशन वक्त बचाने की। आदत ऐसे नहीं आएगी, देख कर नहीं आएगी, लिख कर और प्रैक्टिस करके आएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो भाई। हाँ भाई, बताइए, फरमाइए। नहीं, लिख चुके सब लोग, तो आगे बात करें।
चले, ये आपने एंट्री बनाई सब लोगों ने। बोलिए बेटा, चेरी एंड कंपनी परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर एली बाय इशूइंग 100,000 ऑर्डिनरी शेयर्स और पीस 10 ईच। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज 1 मिलियन। जमीन की मालियत कितनी? 1 मिलियन। फिर जमीन की मालियत कितनी? 12 लाख। फिर जमीन की मालियत कितनी? 3 केस बन गए, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सर कैसे पता लग रहा है? मतलब देखो, पता ये लगेगा जनाब कि हमने अपने 10 रुपए वाले शेयर के बदले जो चीज जो हासिल की है, जो चीज पैसे हो या जमीन हो, अगर वो उसके बराबर है तो एट पार हो गया। अगर वो उससे ज्यादा मालियत की है तो हमने कम वाली चीज देकर ज्यादा मालियत की चीज क्या कर ली? हासिल कर ली। क्या हो गया? प्रीमियम आ गया। और अगर क्या है? एट डिस्काउंट है। तो मतलब हमने अपनी 10 वाला शेयर ज्यादा मालियत का दे दिया और जो वैल्यू हासिल की है वो कम हासिल की है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो क्या एंट्री बनी भाई इसमें? केस वन में जमीन हम डेबिट कर रहे हैं, लैंड डेबिट उसकी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू पर, जो कि केस वन में कितनी है? 1 मिलियन। बोल दीजिए बेटा, ठीक है जी। शेयर सब्सक्रिप्शन कहां से आई? डायरेक्ट एंट्री, सब्सक्रिप्शन इसमें है ही नहीं, है ना? ये तो निगोशिएशन हुई डायरेक्ट कि आप हमें ये चीज दें, हम आपको बदले में क्या इशू करेंगे। तो इसका मतलब ये कोई जनरल पब्लिक वाली ऑफर ही नहीं है, ये तो क्या है? निगोशिएशन हो रही है इसके अंदर आईपीओ में। और इसमें क्या है फर्क है? पब्लिक ऑफर कौन लाता है? पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है। इसका मतलब ये जो है वो पब्लिक ऑफर वाले शेयर्स नहीं है। खैर, तो लैंड डेबिट हो गया 1 मिलियन से। शेयर कैपिटल हमेशा किस पे क्रेडिट होगा? तो इस जमीन को खरीदने के लिए आपने अपनी कंपनी के 1 लाख शेयर इशू किए, जिनमें से हर शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिलियन। बोलिए बेटा, केस टू। आवाज ही नहीं बेटा, कोई प्रीमियम आया केस वन में? नहीं आया ना। केस टू, लैंड डेबिट, जो लैंड आपने परचेस किया उसकी मार्केट मालियत कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख रुपए। तो लैंड डेबिट हो गया 1,200,000। लेकिन शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही क्रेडिट होगा। क्या करेंगे आप? 1 मिलियन पे क्रेडिट करेंगे? कैसे सर? 1 मिलियन कैसे आया सर? 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू। तो अब अबव जो वैल्यू आप हासिल कर रहे हो वो आपके हिसाब से क्या है? प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। कितनी है बेटा? 2 लाख। और थर्ड केस, जो जमीन आप हासिल कर रहे हो उसकी मालियत कितनी है? 9 लाख रुपए, 9,50,000। और जो शेयर कैपिटल आप क्रेडिट कर रहे हो वो कितने पे करोगे? नॉमिनल वैल्यू पर। सर वो कैसे आ रहा है? 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करके। क्या इस बार हमने 95,000 शेयर इशू किए या 9,50,000 जमीन के लिए भी हमने 1 लाख शेयर इशू किए? तो 1 लाख को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या बनती है? 1 मिलियन। तो शेयर कैपिटल 1 मिलियन से क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। डिफरेंस क्या कहलाया बेटा? शेयर डिस्काउंट। कोई मसला नहीं? पक्का? कंफर्म? देख लें, सोच लें। तो एक कॉम्प्लेक्स केस पूछे आपसे। हाँ, लिखना बाकी है। ये नहीं, ये देर से आया था ना, मतलब मैंने 9:30 बजे क्लास रखी है, तुम लोग आ जाओ टाइम पर यार। हाँ नहीं नहीं ये वाला हिसाब नहीं। अब या तो तुम सुधरोगे या मैं सुधरूंगा, दो में से एक काम होगा। हाँ तो तुम सुधरोगे या मैं सुधरूंगा? तुम सुधरोगे तो मैं हट जाऊंगा।
हाँ नहीं नहीं इंशाल्लाह टाइम पे। बस शर्त ये कि स्कूल खुला रहे। हाँ जी लिख चुके। और ये क्या उसूल है यार, तुम आए हो सिनेमा के अंदर, बाद में बोला वो मेरा फिल्म का पिछला वाला हिस्सा निकल गया, चलो भाई वापस से चलाओ वहां से फिल्म है। ये कौन सा वाला मजाक, मैं देर से पहुंचा है जरा बता दो। क्रिकेट क्रिकेट ग्राउंड में उतरे, बोला ये 2 ओवर मैंने देखे, जरा दोबारा कराओ शाबाश वापस से जरा, ये क्या है बताओ जरा भाई। चले भाई वो आजकल बेटा दोबारा नए वाले पेपर्स निकल गए, पेंडोरा बॉक्स पेपर्स, पानामा के बाद सारे पी से निकल रहे, पानामा पेंडोरा। ठीक है चले जनाब, हो गया भाई यहां तक। चले जी एक कॉम्प्लेक्स केस देख लेते हैं। लिखा हुआ इसमें लफ्ज डिबेंचर है, इग्नोर द वर्ड डिबेंचर, अज्यूम द वर्ड डिबेंचर एज शेयर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री वैसे बनेगी, लेकिन आप डिबेंचर के बदले लफ्ज क्या अज्यूम करें, शेयर। ठीक है डिबेंचर की इशू की एंट्री भी सेम है, शेयर्स की भी सेम है, कोई इशू नहीं, सब्सक्रिप्शन उसी तरह होती है अगर पब्लिक ऑफर की जाए। तो आपकी आसानी के लिए जहां लफ्ज क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर, इस डिबेंचर लफ्ज को आप सब्सटीट्यूट कर दें किससे, शेयर्स। आप अज्यूम करें डिबेंचर इशू नहीं हो रहे बल्कि, और इस केस को आप सॉल्व करके बताइए। तो अब बात बनेगी, अब यहां से आपका इम्तिहान शुरू है अब तक की नॉलेज का, कि वाकई आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। थोड़ा सा केस आसान आसान मैं सॉल्व करूंगा, मुश्किल मुश्किल आप सॉल्व करेंगे, पेपर तो आपने देना है ना, तो ये तो करना पड़ेगा, सारे आसान क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। सारे पढ़ने में लग गए भाई, जनाब आपने इसको रीड किया, आपने खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, आपने समझा होगा जो टाइम आपको दिया गया। अब उसके बाद सवाल मैं रीड कर रहा हूं, द ए बी सी कंपनी ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक 5,000 10%, व्हाट इज दिस 10%, 10% ये जो वो है क्या कहते हैं डिविडेंड या इंटरेस्ट, डिबेंचर है तो 10% इंटरेस्ट रेट है, और अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ये 10% किसका रेट है, डिविडेंड रेट। इस 10% का हमारी एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, डिबेंचर इज बाय नेचर व्हाट लायबिलिटी, शेयर्स आर बाय नेचर व्हाट इक्विटी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के अंदर लायबिलिटी बनने की क्या है, गुंजाइश है। ये बात करेंगे हम, प्रेफरेंस शेयर के अंदर लायबिलिटी बनने की गुंजाइश है। प्रेफरेंस शेयर को हम अकाउंटिंग में इक्विटी भी मान मान सकते हैं, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे, अगर वो बाय नेचर रिडीमेबल है और उस पर फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या होना है, पे होना ही होना है, तो उसको हम एक कॉन्सेप्ट के तहत, जिस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, के ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म को मत देखो, उसके कमर्शियल सब्सटेंस को देखो, उस कॉन्सेप्ट के तहत हम उस डिबेंचर उस क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी नहीं मानते बल्कि क्या मानते हैं, लाइबिलिटी मानते। ये बहस किसी और टाइम पे कर लेंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आप, अभी लफ्ज डिबेंचर को मैंने क्या रीड करना है, डिबेंचर बोल तो कोई इश्यू नहीं, लाइबिलिटी मानना पड़ेगा, शेयर बोलूंगा तो क्या मानना पड़ेगा, आमतौर पे इक्विटी मानना पड़ेगा। तो 100 वाला शेयर कितने का इशू कर रहे हैं अब, बस कुछ नई बात नहीं थी, नई बात ये थी 80% ऑफ द इशू वॉज बाय मैसर्स, ये लफ्ज क्या है पता है ना भाई, बिजनेस से आम बंदे के लिए मिस्टर इस्तेमाल होता है, तो कंपनी के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, मैसर्स, मैसर्स स्टॉक एंड शेयर्स। मेरे ख्याल में ये आप लोगों ने क्या कहते हैं कंपनी लॉ बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ लिया। एट 20 ये आपको लिखना पड़ता ना, अगर आपका राइटिंग स्किल का क्या होता, एग्जाम होता, लेकिन आप पर तो वो नेमतें आ रही कि
कि आपका राइटिंग स्किल एग्जाम भी क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, आपका पीसीएसई भी क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, अगर आप ऑटम 2022 तक कैफ क्वालिफाई करना है, नहीं करेंगे तो पीपी देना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, ख्याल रखिएगा। दो अटेम्प्ट है आपके पास, इस दो अटेम्प्ट में ना माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स करना है ना क्या कहते हैं ये यहां से करके जाना है क्या राइटिंग स्किल्स और पीसीएसई का कोर्स, ना आगे पीपी करना है। अगर आप इसे एक साल में क्वालिफाई करके 1 मार्च 2023 से पहले पहले फॉर्म में क्या हो जाए, इंडक्ट हो जाए, आप हर चीज से बच जाए, ठीक है जी, आप एक नई मखलूक कहलाए, अलग ही मखलूक हो, समझ रहे हैं बात। अच्छा जी, मतलब ये खास बात है यार, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है ना कोरोना वालों का, उनको खास बात है कोई। अच्छा जी, 80% ऑफ द इशू वॉज, यानी अंडर राइटर ने 80% की क्या ली है, गारंटी दी, समझे बात या नहीं, क्या मतलब, इस लफ्ज को हम किस तरह रीड करें, इन केस ऑफ जीरो सब्सक्रिप्शन, क्या अंडर राइटर पूरे 5000 शेयर सब्सक्राइब कर लेगा या 5000 का 40% सब्सक्राइब करेगा, सॉरी 5000 का 80% सब्सक्राइब करेगा, कितना 4000, पक्का कंफर्म, लेकिन क्या लोगों ने शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, वो भी कितने की, 4000 ही किए, अच्छा 4000 ही धोखा है, ये 4000 ही धोखा है जो आजिम खा गया है ना, वही 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 बोल रहा हूं। अच्छा जी, अभी ठहर जाओ, अभी तो साबित होना है बहुत कुछ, और वो अंडरराइटर 25% अंडरराइटिंग क्या लेगा, कमीशन लेगा, कंफर्म, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर पब्लिक फॉर 4000 शेयर्स विच वर अलॉटेड, डिबेंचर को मैं शेयर पढ़ रहा हूं ना, पक्का ना, मैं तो शेयर्स समझा रहा हूं, तो मैंने कहा क्वेश्चन तो वही है, डिबेंचर कर लें शेयर कर लें, एंट्री के लिहाज से सिर्फ नाम का फर्क पड़ेगा, एंट्री बनने में फर्क नहीं आएगा, सुन रहे हैं भाई सब लोग, पक्का कंफर्म, व्हाट्सएप और फेसबुक का देर तक इंतजार करने वाला एक और शख्स हमारे क्लास में आ गया कि कब खुलेगा कब खुलेगा, है ना भाई, नहीं सो गए थे जल्दी, फेसबुक नहीं चला तो मैसेंजर कैसे चलेगा, ट्विटर होता तो चल जाता, अब फेसबुक ने इतना कुछ खरीद लिया है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का, हाँ वो खरीद, उसकी बातचीत चल रही है, उसकी बातचीत चल रही है, वो भी खरीदने वाला है, फिक्र क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, चले बहरहाल भाई, क्या बात हो रही थी, अंडरराइटर कितना कमीशन लेगा, सही है ना, पक्का, और आपको कितनी एप्लीकेशन मिली, तो आपका जो इश्यू है शेयर्स का वो अंडर सब्सक्राइब हुआ या फुली सब्सक्राइब हुआ, कंफर्म देख ले सोच। अच्छा अब जरा देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंट्रीज बनाते हैं किस चीज की, सब्सक्रिप्शंस, तवज्जो दरकार होगी, एंट्री बनी बैंक डेबिट, बोलिए शेयर, शेयर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, बोलिए जवाब दीजिए, बैंक डेबिट, हमें कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली बेटा, और हर शेयर के बदले हमें 100 रुपए मिले, 105 रुपए मिले, अब यहां 105 निकालने के लिए हमें परसेंट अप्लाई करना पड़ी, नहीं डायरेक्ट लिखा हुआ है ना ऊपर, क्या आप 100 वाला शेयर कितने का इशू कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम, 4,20,000, ठीक है जी। उसके बाद अगली एंट्री, बोलिए अगली एंट्री, शेयर, बोलो बोलो यार, शेयर सब्सक्रिप्शन डेबिट, बोले शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट,
हाँ भाई, शेयर कैपिटल 4000 मल्टीप्लाइड बाय वॉट, 100, कितने से? 4 लाख से 20,000, फिर क्या बना? सब्सक्रिप्शन कितने से रिवर्स किया आपने? 4 लाख, यानी जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया उन सबको आपने शेयर इशू कर दी। अब यहां मतलब यहां तक तो मुझे उम्मीद है आप सबने एंट्री एज इट इज सेम बना ली होगी। अगर ये भी नहीं बनाई तो मतलब पिछले सारे कॉन्सेप्ट खराब है। यहां तक बना ली, इम्तिहान इस चीज का नहीं था, इम्तिहान इससे आगे का था, आपकी जजमेंट का था, आपकी सोच का था, आपकी डिसीजन मेकिंग का इम्तिहान था कि आप क्या सही फैसला ले पाते हैं जब आपको एग्जाम में नई सिचुएशन देखने को मिलती है। बस यही मसला है, हर बार कुछ नया मिलेगा ना एग्जाम में, हर पेपर नया पेपर है, ठीक है ना, नई वैरायटी है, ठीक है। एक दो सवाल होंगे चांद रात में मैच कर देंगे, लेकिन बाकी पेपर तो नया ही होगा ना, ऐसा ही है। चले अब सवाल क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं, अंडर राइटर, यहां लिख रहा हूं मैं कंपनी, और यहां लिख रहा हूं मैं टोटल। आपको समझाने के लिए एक वर्किंग बना रहा हूं बेटा, शेयर इशू ना होने का नुकसान, शेयर इशू ना होने का नुकसान कितना परसेंट कौन बेयर करेगा? 80% अंडर राइटर, ऑब्वियसली 20% कंपनी, टोटल कितना हो गया? 100%। टोटल हम कितने परसेंट शेयर लाना चाहते हैं मार्केट में? 5000, गुड, जबरदस्त। तो अगर इन केस ऑफ जीरो सब्सक्रिप्शन एक भी शेयर सब्सक्राइब ना होता तो कितने शेयर्स अंडरराइटर को खरीदने पड़ते? 4000, पक्का। और कितने शेयर्स इश्यू नहीं हो पाते जिससे कंपनी को पैसा नहीं मिलता? वो कंपनी नहीं खरीदती जाएगी, मतलब कंपनी अपने शेयर तो नहीं खरीदेगी ना भाई, कंपनी अपने शेयर तो क्या करेगी, इशू करेगी। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, लेकिन अब एक कंपनी अपने शेयर कैसे खरीदेगी? अपने आप को पैसा देगी, अपने आप से पैसा लेगी? आवाज नहीं है बेटा? तो मतलब आसान लफ्जों में 1000 शेयर का जो बर्डन, मतलब यानी जो नुकसान होता, जो इनफ्लो ना होता, वो किसको बेयर करना पड़ता? कंपनी को, पक्का। इन केस ऑफ जीरो सब्सक्रिप्शन, क्या अभी जीरो सब्सक्रिप्शन? अच्छा जी, तो अभी कितने शेयर इशू हुए? यहां लिख दूं मैं जीरो सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर सब्सक्रिप्शन क्या होती, जीरो होती, तो 4000 शेयर्स किसको खरीदने पड़ते हैं? अभी सब्सक्रिप्शन हुई है कितने शेयर्स की? 4000 शेयर्स की। तो 4000 शेयर की सब्सक्रिप्शन से अंडरराइटर के हिस्से की लायबिलिटी में कमी आई है या मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है? कमी आई है, ये तो गलती है हमारी। देखो हम टोटल से बात कर रहे हैं, टोटल, टोटल में 80% का जिम्मेदारी है, 20% का जिम्मेदारी है। आप ये बोल रहे हो कि जो 4000 इशू हुए टोटल में से इशू हुए, तो इसका मतलब इस टोटल में इसका हिस्सा भी, इसका हिस्सा भी। तो क्या 4000 शेयर इशू होने से अंडरराइटर की लायबिलिटी खत्म हो गई? नहीं भाई, अब आप निकाले 4000 का 80%, आवाज ही नहीं है बेटा, 4000 का 80%। कितना? यानी 5000 में से 4000 सब्सक्राइब होने से अंडरराइटर के ऊपर कितने शेयर्स की जिम्मेदारी खत्म हुई? 3200 शेयर्स। और कंपनी का कितना शेयर्स का लॉस बच गया? जवाब दो ना बेटा, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस। यानी अब अंडरराइटर को बचे हुए शेयर्स का, बचे हुए शेयर्स कितने? 1000, आवाज नहीं आई बेटा,
अंडरराइटर को उस बचे हुए शेयर का 80% क्या करना है, सब्सक्राइब कर, बचे हुए शेयर का 80% आर्ट्स और 20% 200। तो कंपनी के कितने शेयर इशू नहीं हो पाएंगे, 200, और जो 800 इशू नहीं हो पाया वो कौन इशू, कौन सब्सक्राइब करेगा। चले भाई शाबाश, 800 शेयर क्या करते हैं, इशू करते हैं, किसको इशू करते हैं, अंडरराइटर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं, यानी 5000 का पूल था ना, उस पूल में अंडरराइटर का हिस्सा भी है और कंपनी का हिस्सा भी है, तो 4000 क्या पूरे अंडरराइटर के हैं, नहीं ना, जो 4000 शेयर इशू हुए हैं वो उस वाले हिस्से में से भी इशू हुए हैं जो कंपनी का है और उस वाले हिस्से। तो हमने क्या किया, 4000 को भी 80 और 20 में तोड़ दिया। हमने ये कहा कि 4000 शेयर इशू होने से अंडरराइटर की कितनी लायबिलिटी सेटल हुई, 4000 का 80% 32, तो इट मींस अंडरराइटर के ऊपर स्टिल कितनी लायबिलिटी बाकी है, 800। समझ पा रहे हैं बात या नहीं, क्या एंट्री बनी बेटा अंडर, यार आप जवाब नहीं दे रहे, अंडर राइटर डेबिट बतौर क्या, रिसीवेबल, अंडर राइटर डेबिट बतौर रिसीवेबल, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। क्या बेटा 800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आंसर आया, यार बोले बोले प्लीज, 80,000। 800 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आंसर आया बेटा, 4000। तो अंडरराइटर से कितने पैसे वसूल करने, 84,000। अब बताइए कंपनी के टोटल कितने शेयर इशू हुए, 4,800 इशू हुए नॉर्मल सब्सक्रिप्शन वाले प्रोसीजर से, 800 इशू हुए किसको, अंडरराइटर को, 200 इशू नहीं हो सके, वो किसके जिम्मे, कंपनी के जिम्मे, मतलब वो इशू नहीं हो पाएंगे, उसका लॉस, उसकी गारंटी नहीं थी ना। समझ पा रहे हैं बात या नहीं, तो अब इसका मतलब क्या है, अंडरराइटर को जो कमीशन मिलेगा वो कितने शेयर से मिलेगा, पूरे 4,800 पर, ये 4,000 पर, 4,800 पर, ये 4,000 पर। सोचिए जरा इस बात को, अंडरराइटर को कितनी वैल्यू पे कमीशन मिलेगा, अंडरराइटर को 4,000 शेयर्स पे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। क्यों, कैसे, काउंट करना, टोटल 5,000 थे, उस 5,000 में से 4,000 किसने सब्सक्राइब किए, अवाम ने, ये 4,000 सब्सक्राइब होने से अंडरराइटर के कितना हिस्सा सेटल हुआ, तो इस 4,000 में अंडरराइटर के गारंटी किए हुए कितने थे, तो अंडरराइटर ने कितने सब्सक्राइब किए, अंडरराइटर वाले हिस्से वाले कितने बने, 3200, और मजीद अंडरराइटर ने खुद कितने सब्सक्राइब किए, तो अंडरराइटर के टोटल अमाउंट कितना बना, 4,000। तो अंडरराइटर को तो पूरे वो 800 शेयर्स जो कंपनी के उस पोर्शन में से इश्यू हो रहे हैं जिसकी गारंटी अंडरराइटर ने, क्या उस पर भी उसको कमीशन मिलना चाहिए, लॉजिकल बात करें ना यार। तो क्या अंडरराइटर को 4,000 शेयर्स पे कमीशन मिलेगा या 4,800 में मिलेगा, 4,000 कैसे, फिर देख लें, 3200 वो वाले जो लोगों के सब्सक्राइब करने से अंडरराइटर के जिम्मे नहीं आए, और 800 वो वाले जो लोगों के सब्सक्राइब ना करने की वजह से किसके जिम्मे आए, अंडरराइटर। तो अब क्या करेंगे भाई, एंट्री बनेगी क्या, अंडरराइटिंग कमीशन। अच्छा, ये अंडरराइटर वाली एंट्री मैं आपको इजाफी करवा रहा हूं, बस याद रखिएगा, ये आपके उसमें किताब में मेंशन नहीं, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट और अंडर राइटर बतौर क्या लायबिलिटी, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, क्रेडिट। सर कैसे निकालें, 4,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 105 मल्टीप्लाई बाय उसका 25%, 1,00,000, 1,05,000। अब जरा गौर करें,
अंडर राइटर का कमीशन ही इतना बन रहा है कि उस कमीशन के बदले उसको ये शेयर मुफ्त में पड़ जाएंगे। और करें, अंडर राइटर को आपने देने कितने हैं? 1,05,000 क्या है कमीशन है उसका, और 84,000 उससे लेने हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको शेयर इशू किए, तो मतलब पैसे ज्यादा देने हैं कम लेने हैं। अगर सेट ऑफ परफॉर्म हो, अगर क्या परफॉर्म हो, तो सेट ऑफ परफॉर्म करने के बाद बैलेंस किसके जिम्मे होगा? कंपनी के जिम्मे। कंपनी ने आगे करना है, पेमेंट करनी होगी। तो समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो अगर आप एडजस्टमेंट पास करें, क्या अंडर राइटर, देखें बेटा, अगर आप इतनी मामूली एंट्री समझ नहीं पा रहे तो क्या करेंगे फिर? अंडर राइटर बतौर पेएबल डेबिट 1,05,000 से, आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अंडर राइटर बतौर, मैं सेटलमेंट करवा रहा हूं, रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 84,000 से। बोलिए बेटा, तो डिफरेंस किसकी जेब से गया? हमारी जेब से। बोले बोले बोले, कितना कितना? बैंक क्रेडिट, पैसे जाएंगे ना? नहीं। एंट्री समझ में आ रही है बेटा? कितने से बेटा बैंक क्रेडिट? 21,000। जिन बच्चों को बात समझ नहीं है दोबारा सुन ले बेटा, देखे दोबारा सुन ले बेटा, बताइए कंपनी ने सब दोहराए, सब लोग साथ साथ बताएं, कंपनी ने कितने शेयर इशू करने थे? इस 5,000 में वो शेयर्स भी थे जो इन केस ऑफ जीरो सब्सक्रिप्शन अंडर राइटर ने सब्सक्राइब करने थे, और इस 5,000 में वो शेयर भी थे जो सब्सक्राइब नहीं होते, कोई भी सब्सक्राइब ना करता अगर क्या होती? जीरो सब्सक्रिप्शन होती। क्या अभी सब्सक्रिप्शन जीरो है या सब्सक्रिप्शन 4,000 है? तो हम पूरे 4,000 को अंडर राइटर के तरफ डाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 4,000 इज आउट ऑफ टोटल, और टोटल के अंदर 20% शेयर वो हैं जो कंपनी के जिम्मे हैं, और 80% शेयर वो हैं जो, तो हमने क्या किया, हमने इस 4,000 का भी 80 और 20 निकाल लिया। कि हमने कहा 4,000 शेयर सब्सक्राइब होने से अंडर राइटर का जिम्मा कितने शेयर्स पे खत्म हुआ? इस 4,000 के 80% यानी कि 3,200 पर। तो फिर अंडर राइटर के ऊपर कितने शेयर्स खरीदने की जिम्मेदारी आई? 800, वो उसने खरीदे ना। तो हम ये नहीं बोल रहे कि 4,000 शेयर खरीदने से अंडर राइटर का पूरा 4,000 वाला जिम्मा क्या खत्म हो गया, क्योंकि 4,000 इज आउट ऑफ टोटल, नॉट फ्रॉम द पोर्शन ऑफ अंडर राइटर। ये बात समझने की, ठीक है जी? तो ये आपके सामने सारी एंट्रीज बन गई। यहां तो कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए बेटा। ठीक है जी, क्लियर यहां तक सब लोगों को बेटा? लिख चुके हैं, लिख लिया इसको, लिखना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले। दोबारा समझा दे अंडर राइटर बेटा। पहले आप मुझे बताओ ये बात, अंडर राइटर क्या होता है? सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग बताओ, वर्ड अंडरराइटर कौन होता है? ये बात बेटा बताएंगे, अंडरराइटर कौन होता है? जो शेयर इशू करने की गारंटी लेता है। अब आप मेरे साथ साथ चलें, हम कितने शेयर इशू करना चाहते थे? बोलिए जरा ये बात बेटा, कितने शेयर इशू करना चाहते हम? 5,000। अगर कोई एक भी शेयर सब्सक्राइब ना होता तो इस 5,000 का 80% किसने सब्सक्राइब करना होता?
अंडरराइटर ने, तो अंडरराइटर के जिम्मे कितने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आता, बोलिए 4,000। लेकिन क्या अभी जीरो सब्सक्रिप्शन है या शेयर सब्सक्राइब हुए हैं? क्या अभी जीरो सब्सक्रिप्शन है या शेयर सब्सक्राइब हुए हैं बेटा अंडरराइटर, बताइए? क्या अभी 4,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं? तो ये 4,000 किसने सब्सक्राइब किया, अंडरराइटर ने, पब्लिक ने? ये 4,000 किसने सब्सक्राइब किए, पब्लिक ने? कितने में से, अंडरराइटर के हिस्से में से या टोटल में से? तो अगर ये 4,000 टोटल में सब्सक्राइब हुए, तो इन 4,000 के सब्सक्राइब होने से कुछ शेयर्स अंडरराइटर के हिस्से में से भी सब्सक्राइब हुए और कुछ शेयर्स कंपनी वाले हिस्से भी सब्सक्राइब हुए। तो क्या किया हमने, इसका इसका 80% निकाला, 3200 बना। तो हमने कहा 4,000 का 80% 3200, मतलब अंडरराइटर के हिस्से में से कितना सब्सक्राइब हुआ, 3200, और कंपनी वाले हिस्से में से कितना सब्सक्राइब हुआ, 800। टोटल कितने सब्सक्राइब हुआ, 400। तो अब इस तरह अंडरराइटर के ऊपर टोटल में से जो उसका हिस्सा था, मजीद कितने शेयर सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आती है, 800 बस। तो वो 800 शेयर क्या कर दिया हमने, अंडरराइटर को इशू कर दी। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, एक और बात भाई, कुछ लोग बच्चे एंट्री पूछ रहे थे, देख ले एंट्री को, देखे सब लोग, फिर देखिए बेटा, फिर देखिए अंडरराइटर को हमने कितने शेयर इशू किए, 800। उस 800 शेयर इशू करने की वजह से हमें अंडरराइटर से कितना पैसा रिसीव करना है, तो ये हमारे लिए रिसीवेबल बना क्योंकि हमने उसको शेयर इशू किए। लेकिन क्योंकि हमने उसने अंडरराइटिंग क्या ली थी, गारंटी ली थी, तो उसके बदले हमें उसको क्या पे करना है, कमीशन। वो कमीशन हमारे लिए क्या हो गया, पेएबल हो गया। तो अब हमने एक ही शख्स से पैसे लेने भी हैं और पैसे देने भी हैं, तो क्या होगा, नेट हमने 1,00,000, हमने 1,05,000 देने हैं, 84,000 लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई हम 1,05,000 में तुम्हें 84,000 पे नहीं करते, बाकी रकम पे कर देंगे। वो समझे बात या नहीं? तो हमने इसको सेट ऑफ, अगर मैं इसको सेट ऑफ करवा तो एंट्री बनती 84,000 से, मैंने कंपाउंड एंट्री बना दी। मैंने कहा पेएबल डेबिट कितने से, मैं बोल रहा हूं कि मैं लाइबिलिटी सेटल कर रहा हूं 1,05,000 से, कैसे 84,000 उससे ना लेकर जो मैंने लेने थे, और 21,000 उसको देकर जो ऊपर मैंने देने थे, दैट्स ऑल। बात नहीं समझ में आई बेटा? मैंने कहा मैं लाइबिलिटी सेटल कर रहा हूं 1,05,000 से, कैसे, वो रिसीवेबल जो मैंने उससे रिसीव करना था वो खत्म करके, कि अब मैं उसे रिसीव नहीं करूंगा, और जो ऊपर की रकम बनती क्या कर दूंगा, उसको मैं पे कर दूंगा, और मैं पे कर रहा हूं। तो लायबिलिटी मुकम्मल तौर पे क्या हो गई बेटा, सेटल हो गई। ठीक है बेटा, और कोई बात, स्टिल कोई कंफ्यूजन, कंफर्म? तो उसको यहां पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, यहां से इसको कंटिन्यू करें अगली क्लास में। क्या क्या, एक काम करते हैं भाई, होमवर्क करें, होमवर्क भाई। ये अभी मुझे होमवर्क ताज़ा ज्यादा है, होमवर्क। ये मसला पता है क्या कर रहा है, आपको तंग कौन कर रहा है, 4,000 दोनों जगह 4,000 है। ये तो एग्जाम का गेम है ना, यहाँ भी 4,000 वहां भी 4,000 है। तो आपको लगता है आपको धोखा ये हो रहा है, ये 4,000 एग्जैक्टली ये वाले 4,000 है, नहीं ना भाई, ये 4,000 आउट ऑफ टोटल है और ये 4,000 अंडरराइटर वाले हैं। इत्तफाक से दोनों इसका 80-80% बन रहा है, तो धोखा हो रहा है इस वजह से। आसान कर लेते हैं, इस परसेंटेज को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, हम इसको कर लेते हैं कितना, 60%। इस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व करें, कितने परसेंट पर, पक्का कर लेंगे क्या? अभी नंबर ऑफ शेयर परसेंटेज से निकाल लो ना यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, 80 के बजाय क्या लो, बाकी सारी इंफॉर्मेशन क्या रखो, सेम रखो, 4,000 रखो एज इट इज, लेकिन अंडर राइटर की जिम्मेदारी कितनी रखो, 60%। अब जरा बताओ अभी कर लेते ना, 4,000-5,000 का 60%, 3,000 पक्का, और 40% 2,000। तो यहां पर क्या आ गया, यहां 3 आ गया, यहां 2 आ गया, सॉरी यहां 2 आ गया, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब जो शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं
वो इसमें से हो रहे हैं, इसमें से हो रहे हैं? 5,000 का में से निकाले आपने कितने, तो 4,000 शेयर इश्यू होने से इसके हिस्से में से भी इशू हुए, इसमें से भी इशू हुए। अब 4,000 का निकालोगे आप कितना, 4,000 का निकालोगे आप 60%, 2,400। ऊपर कितना है, 3,000। नीचे क्या आ रहा है, तो फिर अंडर राइटर की जिम्मेदारी कितने शेयर की हुई, 600 शेयर की। जबरदस्त, इशू कर दो 600 शेयर। पक्का कर लीजिएगा सॉल्व, इसको कंफर्म हो जाएगा। चल ओके।